नमस्ते, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक न्यू सीरीज सीरीज टू हेयर डिक्शनरी फ्रॉम न्यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं हूं डॉक्टर नीलेश पुंड और आज आपको बताऊंगा हेयर के बारे में, नॉर्मल हेयर क्या होते हैं, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ताकि हम जान सके कि खराब क्या है, पैथोलॉजिकल क्या है, हेयर फॉल क्यों है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है। कोई ऑर्गन उसको हम ठीक करने जाते हैं, जब कोई चीज़ बीमार होती है तो उसको हम अच्छा सुधारने के लिए उसका नॉर्मल क्या है, वो बिहेवियर उसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें सब चीज़ें जानना है हेयर के बारे में, तो हमें हेयर का नेचुरल जो है वो भी मालूम होना चाहिए, या फिर जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। हम जब गर्भाशय में रहते हैं, जब हमारा निर्माण होना शुरू हो जाता है, तभी से ही हमारा हेयर का स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी और उसका पैटर्न जो है वो डिसाइड हो जाता है हमारे जीन्स के ज़रिए। उसका जो डेवलपमेंट है हेयर का, वो एपिथेलियल सेल से होता है। एपिथेलियल सेल्स का एक बंच बन जाता है, उसके मेसेंकाइमल सेल्स में रूपांतर होता है, फिर उसका फाइबरस शीथ हो जाता है और फाइबरस शीथ का एक रॉड हो जाता है और उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसके स्केल्स बन जाते हैं और उसको हेयर शाफ्ट बन जाता है। तो इसमें रैपिड प्रोलिफाइलिंग सेल्स रहते हैं, रैपिड ग्रोइंग सेल्स रहते हैं, जिसके कारण फाइबरस शीथ के कारण हेयर शाफ्ट बन जाता है। ये बनता है दो पार्ट्स में, एक ऊपर वाला जो रहता है स्किन के ऊपर उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट, और जो स्किन के नीचे रहते हैं उसको कहते हैं हेयर फॉलिकल। तो नॉर्मली जो इनका काउंट है हमारे बॉडी में वो 5 मिलियन काउंट है, और हमारे स्काल्प में 80,000 से लेके तो 150,000 तक हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। इनमें तीन फेजेस रहते हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। एनाजन फेज 90% रहते हैं, कैटाजन फेज 1% रहते हैं, और टीलोजन फेज जो है वो 10-15% रहते हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा इन फेजेस के बारे में फिजियोलॉजी पैटर्न के अंदर, ये हम जानकारी ले रहे हैं मॉर्फोलॉजी के लिए। तो इसमें हमारे फिजियोलॉजिक हेयर जो है वो शेड होते रहते हैं, 10 या 20 जो हमारे बाल हैं वो रोज शेड होते रहते हैं, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बाद में डायमीटर जो है हमारे हेयर शाफ्ट का वो 0.08 से लेके तो 0.1 mm तक रहता है एशियंस में, और यूरोपियंस में ये रहता है 0.04 से लेके तो 0.06 तक। ये रहा हेयर शाफ्ट के बारे में, इसका डायमीटर आपको मैंने बता दिया है। अब इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर पर मंथ ये प्रमाण से ग्रो होते रहते हैं हमारे बाल हमारे स्काल्प के ऊपर। अब जानते हैं हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। हेयर स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सब चीज़ें डील होती है, हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, हमारा हेयर कॉम्बिंग पैटर्न, हमारे सब चीज़ें ये हेयर शाफ्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो हेयर स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हेयर फॉलिकल और एक हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट में तीन डिविजन्स रहते हैं, वो तीन चीज़ों से बना रहता है। उसमें रहते हैं क्यूटिकल, दूसरा रहता है कॉर्टेक्स और तीसरा रहता है मेडुला। अब हम जानते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हेयर के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ हेयर जो है ये बहुत यूनिक पैटर्न है, कि जिस यूनिक पैटर्न में हमारा हेयर ग्रोथ डिसाइडेड और पैटर्न रहता है। इसमें एनाजन, कैटाजन, टीलोजन और एक्सोजन। एनाजन क्या है? एनाजन यानी ग्रोथ फेज, मतलब हमारा हेयर शाफ्ट जो है, हेयर फॉलिकल जो है, ये हेयर जो है वो ग्रोथ होते हुए हमें दिखता है। इसमें 2 से 6 साल तक एक हमारी उम्र या औसत कह सकते हैं, हम लाइफ कह सकते हैं हमारे सिंगल हेयर की, जो स्काल्प के ऊपर जो हमारा हेयर है वो 2 से 6 साल के बीच तक रहता है, और वो जो है वो 90% ऑफ द स्काल्प जो है वो एनाजन फेज में रहते हैं। तो हम देखते हैं फीमेल्स में बहुत लंबे बाल रहते हैं, मेल में मुकाबले उनके इतने लंबे बाल नहीं रहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एनाजन फेज उतना आपका बाल लंबा होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर मंथ आपका ग्रोथ होते रहेगा और आपके जो बाल है वो लंबे होते रहेंगे एनाजन फेज अगर अच्छा रहा तो। अगर ये 2 से 3 साल 4 साल है तो मतलब आपका ग्रोथ जो है रैपिड नहीं रहता है और उसमें कम ग्रोथ रहती है। तो ये रहा एनाजन फेज। दूसरा फेज है कैटाजन फेज। इसमें रिग्रेशन रहता है, मतलब आपका शाफ्ट जो है वो लोअर पार्ट जो रहता है वो स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो थिन हो जाता है। ये रहता है 2 to 4 weeks के बीच में, मतलब 2 से 4 हफ्तों तक ये फेज आपका रहता है, और इसमें सिर्फ हमारे बॉडी के स्काल्प के 1% हेयर रहते हैं, 1% ऑफ द हेयर फॉलिकल हमारे कैटाजन फेज में रहते हैं। तीसरा फेज आता है
टीलोजन फेज। टीलोजन फेज बेसिकली ये रेस्टिंग फेज रहता है, वो फॉलिकल रेस्ट करता है। वो फॉलिकल जो है हमारा एनाजन फेज में कंटिन्यू बढ़ते रहता है, काम करते रहता है, न्यूट्रिशन हेयर शाफ्ट को प्रोवाइड करते रहता है। पर हम देख सकते हैं कि ये हेयर शाफ्ट जो है वो रेस्ट में चले जाता है, या फिर हेयर फॉलिकल जो है वो हेयर रेस्ट करता है, उसको कहते हैं हम टीलोजन फेज। उसमें जो है वो आपका हेयर शाफ्ट है वो हेयर फॉलिकल से सेपरेट हो जाता है। बाद में आता है फोर्थ फेज। फोर्थ फेज यानी एक्सोजन, मतलब हेयर फॉल दिखता है हमें। तो एक्सोजन जो है और टीलोजन जो है ये फेज लगभग 10-15% तक रहता है और 2-4 months तक रहता है। तो इसी कारण हमें जो 50-100 बाल या फिर 50-100 हेयर, अगर हेयर फॉल होते भी है नॉर्मली कुछ पीरियड के लिए, सो दैट इज़ नॉर्मल हेयर फॉल, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिक हेयर फॉल। तो ये था आज का नॉर्मल एवरीथिंग अबाउट हेयर, मतलब हमने आज नॉर्मली उसका पैटर्न क्या है देखा, हमने आज नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये देखा, नॉर्मल उसका डेवलपमेंट कैसा है होता है वो देखा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हेयर फॉल के लिए। थैंक यू।